सिर्फ 5 मिनट में एड्स ऑन रील को भैया इनेबल करें। लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा फेसबुक है, ठीक है, और यहां पर हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ भैया 85 फॉलोअर्स है, यानी कि 85 फॉलोअर है, और यहां पर क्या है, एड्स ऑन रील हमको मिला हुआ है। यहां पर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा वो कैसे मिला हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, ऊपर भी हम स्लाइड करके एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। यहां पर मोनेटाइजेशन सेक्शन है, और यहां पर मोनेटाइजेशन सेक्शन में ये हमारा रहा एड्स ऑन रील। यहां पर देखिएगा तो एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है भैया, और आप भी करेंगे सिर्फ 100 से कम फॉलोअर्स में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एड्स ऑन रील कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसको आप इनेबल करते हैं या खुद मिलता है, एवं कम से कम फॉलोअर में एड्स ऑन रील को आप कैसे इनेबल करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लेना। सन 2024 में आप एड्स ऑन रील को कैसे इनेबल करते हैं, जो आपको प्रोसेस में बताने वाला हूं, शायद आज तक कोई नहीं बताया होगा। और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में जो कोई यूट्यूबर आज तक नहीं बताया, और ना ही आपने किसी के वीडियोस में देखा होगा। अगर देखा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो टाइम की देरी ना करते हुए हम चलते मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको सारा कुछ दिखाते हो बताते हैं। फाइनली मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फेसबुक अकाउंट है। अब ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, अब हम चलते हैं कोई पेज एक बार ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, इनमें से हम कोई भी पेज एक बार ओपन कर लेते हैं। बाय द वे यहां पर ये हमारा पेज है, ठीक है, यहां पर हमारे पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इसको एक बार हम ओपन कर लेते हैं। यहां पर हम चलते हैं, यहां पर देखिएगा रीच भी कोई नहीं है, और यहां पर मोनेटाइज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहां पर सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो 2000 फॉलोअर्स हैं। जी हां दोस्तों, अब इसमें 2000 फॉलोअर्स, लेकिन इसको हमने ओपन क्यों किया? इसको हमने इसलिए ओपन किया क्योंकि रीच यहां पर तो कुछ है नहीं। अगर हम रीच की बात करें तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं, यहां पर पेज नॉट रिकमेंडेबल भी है, ठीक है। अब पेज नॉट रिकमेंडेबल है, और यहां पर आपको पेज स्टेटस में दिखाते हैं, यहां पर येलो है, लेकिन फिर भी एड्स ऑन रील आया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गुमराह करते हैं, आपके पेज पे कोई प्रॉब्लम है, एड्स ऑन रील नहीं मिलेगा। लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखो कि यहां पर क्या है, पेज नॉट रिकमेंडेबल है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, यहां पर देखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, और यहां पर मोनेटाइजेशन इशू भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, एड्स ऑन रील का ऑप्शन यहां पर क्या है, मिला हुआ है, ठीक है, एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिला हुआ है। तो ये एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया इसको सेटअप क्यों नहीं किया। यही बताने के लिए मैं इसमें इसको ओपन किया हूं, और मिलेगा कैसे, मिलता है कैसे, कम से कम फॉलोअर में, जैसे मैंने शुरुआत में स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देख लेना। इसको अगर हम सेटअप कर देते हैं, बाय द वे अगर आपके पेज पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, वो कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है, यहां पर जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया यहां पर, ठीक है, यहां पर चलते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, फिर उसके बाद में यहां पर थोड़ा हम ऊपर करते हैं, यहां पर आ जाते हैं पेज रिकमेंडेशन पे, पेज नॉट रिकमेंडेबल है, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, स्टेटस क्लिक करेंगे। यहां पर अगर पेज हैज सम इशू है या प्रोफाइल हैज सम इशू है, अगर पेज हैज सम इशू है, प्रोफाइल हैज सम इशू है, कैसे सही करते हैं, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अगर इस कंडीशन में और अर्निंग भी रिस्ट्रिक्टेड है, यहां से क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, ठीक है, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहां पे अनओरिजिनल भी हो सकता है, यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यहां पर कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अगर इन प्रॉब्लम्स के चलते हुए आपके पेज पर एड्स ऑन रील का ऑप्शन है, अगर आप इनेबल कर देते हैं, तो आपका पेज रेड हो सकता है, यानी कि अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। पेज तो आपका येलो रहेगा, लेकिन अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, उस कंडीशन में पेज भी आपका रेड हो सकता है, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं हैं जो अपने पेज को मोनेटाइज नहीं किए हुए, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अगर इस कंडीशन में
इसको हमने सेटअप कर दिया, रेड हो सकता है, नहीं किया मैंने। तो इसको इनेबल करने का सही तरीका होता क्या है, सही तरीका आप लोग बताना चाहूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं फेसबुक है, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, ठीक है, चेक क्या करना है वो चीज आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर जब आप किसी पेज पे काम करते हैं, कोई भी पेज है, सबसे पहले आपका पेज जो है 30 दिन पुराना कम से कम होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, इसके पहले नहीं होता था। अभी बीच में क्या है, बहुत ज्यादा एड्स ऑन रील मिल रहे थे, कम से कम हमको 20 से 30 पेजों पे मिला हुआ था, तो उस टाइम पे भी हमने वीडियोस बनाया था, आप लोगों को बताया था कैसे काम करना है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, कम से कम 60 दिन पुराने पेज पे ज्यादातर मिल रहा है। अगर आपके पास 60 दिन पुराना पेज है तो आप उस पर रेगुलर काम करें, ठीक है। अगर आपके पास रखा हुआ है पहले से तो आप रेगुलर काम करें, और जिस कंटेंट पे आप फोकस करते हैं एड्स आर रील वाले, तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेंट को डालिए, कॉपी पेस्ट कीजिएगा, लेकिन जो कंटेंट आप डालते हैं उसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए, विदाउट म्यूजिक होना चाहिए। वॉइस ओवर वाले कंटेंट आप कोई भी डाल सकते हैं, बेसिक फनी कंटेंट वो भी आप डाल सकते हैं, और जैसे बागेश्वर धाम बाबा वाले हैं या अनिरुद्धाचार्य महाराज वाले हैं या कोई अदर भी भक्ति वाले हैं, उनको भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और न्यूज से रिलेटेड थोड़ा कम डालिएगा, उस पर एड्स ऑन रील प्रेजेंट टाइम में नहीं के बराबर मिल रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप सॉन्ग वाले वीडियो डालते थे, 18 प्लस कंटेंट के डालते थे, आपको सॉन्ग या डांस वाले वीडियोस पे अभी प्रेजेंट टाइम में ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को वैसे वीडियोज पे एड्स ऑन रील प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिल रहा है। तो आप लोग ये तरीका अपना सकते हैं, और आपका जो पेज है तो फुल ग्रीन होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपके पेज पे तो येलो का ऑप्शन आया हुआ है, यानी पेज है, समझो। तो भैया ये प्रॉब्लम हमारे पास बाद में आई, पहले हमारे पास सेटअप का ऑप्शन आ गया था, उसके बाद में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद में क्या है स्ट्राइक आई थी, वो भी हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, जो 90 दिन के पहले हट ही नहीं सकती है, हम कुछ भी करेंगे नहीं हट सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो हटी नहीं, और इसको मैंने सेटअप भी नहीं किया ताकि हमारा पेज कहीं रेड ना हो जाए या हमारा पेज की अर्निंग कहीं रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाए, इसलिए हमने इसको सेटअप भी नहीं किया, ठीक है। तो आपका पेज क्या है, फुल ग्रीन होना चाहिए, आपका पेज रिकमेंडेबल होना चाहिए, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर, ठीक है, यहां से क्या है पेज को यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर पेज क्या है रिकमेंडेबल होना चाहिए, और जो यहां पर आपका दिखाई दे रहा है थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज स्टेटस यहां पर क्या है ग्रीन होना चाहिए, नो इशू होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, यहां पर क्या है ये भी नहीं होना चाहिए, मोनेटाइजेशन इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेज में मोनेटाइजेशन इशू का ऑप्शन आया हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इससे डेडिकेटेड मैंने वीडियोस बना रखा है, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो दो दिन पहले वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है, जाकर के देख सकते हैं, इसके दो वीडियो पीछे है, ठीक है, जाकर देख सकते हैं, लाइव प्रूफ सॉल्व करके दिखाया है और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, कोई भी अगर कॉपीराइट आपके पेज पे आ जाता है वीडियोज में, सबसे पहले उस वीडियोज को तुरंत डिलीट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। और जिस दिन से यानी पेज बना हुआ है या जिस दिन से काम आप शुरुआत करते हैं उस दिन से ही आपको रील्स पे वर्क करना है। और आप लोगों को मेन चीज बताऊंगा, अभी प्रेजेंट टाइम में वॉइस ओवर वाले वीडियोस पे ज्यादा एड्स ऑन रील मिल रहा है, तो वॉइस वाले वीडियो डालिएगा, ठीक है, म्यूजिक बिल्कुल भी ना यूज होता हो। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अपने लिंक दे दूंगा, यानी कि वीडियोस के लिंक दे दूंगा, या आप लोगों को इंस्टाग्राम जहां से वीडियो उठाने हैं उनकी प्रोफाइल को मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से उनके वीडियोस को उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं 10 बजे के बाद में लाइव भी आता हूं, आप लोग मेरे से लाइव भी बात कर सकते हैं। और आप लोगों से दोस्तों मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को कोर्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए लाइव फेसबुक क्लास हम चलाएंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों की डिमांड रहती थी तो मैंने वो चालू कर दिया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोग मेरी वेबसाइट technicalspeed.in पे जानने के बाद में कोर्स पे क्लिक करके आप वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, हमारी टीम आपसे 24 आवर में संपर्क कर लेगी और आपसे बात करेगी, फुल डिटेल में आपको बताएगी, समझाएगी, उसके बाद में अगर आप चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोस का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।